दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हरिद्वार में होगा मुलायम सिंह यादव का अस्थि विसर्जन। अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव भी होंगे मौजूद। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हुआ था। अगले दिन सैफई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन करने अखिलेश यादव 17 अक्टूबर को हरिद्वार जाएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। गम के इस माहौल में कई सपा समर्थक और बड़े नेता अब भी नेताजी को श्रद्धांजलि देने सैफई जा रहे हैं। बता दें कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वें दिन एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, इसे 13वीं कहा जाता है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होंगी। सपा नेता और पूर्व MLC सुनील सिंह साजन के मुताबिक नेताजी की 13वीं नहीं होगी, उसकी जगह शांति पाठ और हवन पूजन 21 अक्टूबर को किया जाएगा। सुनील सिंह साजन ने बताया कि सैफई के आसपास के एक दो जिलों में अब 13वीं करने की परंपरा नहीं है। दरअसल जब नेताजी छोटे थे तब सैफई और आसपास के इलाकों में भी 13वीं होती थी, मगर अब जब वो बड़े हुए और राजनीति में आए तो उन्होंने समाज सुधारक के तौर पर कार्य किया था। नेताजी ने ही समाज सुधारकों के साथ मिलकर इस परंपरा को खत्म करने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे पर 13वीं का कार्यक्रम किया जाना बंद हो गया, तब से ही लोग इसकी जगह शांति पाठ के साथ हवन और पूजा पाठ करने लगे हैं। लिहाजा नेताजी मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं की जाएगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा देश में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, प्रधानमंत्री मोदी बताएं कहां हैं नौकरियां। ये आपको बता दें कि कर्नाटक के बेल्लारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज भारत में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। पीएम मोदी ने कहा था कि वो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो नौकरियां कहां हैं। बेल्लारी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पद खाली क्यों हैं? अगर आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप 80 लाख रुपए देकर ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर्नाटक में सरकारी नौकरी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जीवन भर बेरोजगार रह सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की भाजपा सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी है। इसे 40% कमीशन वाली सरकार कहा जाता है। इसका भुगतान करके कोई भी काम किया जा सकता है। यहां पर उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ अत्याचार में 50% की वृद्धि हुई है। भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ 7 सितंबर 2022 को भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी से हुआ था। इस ऐतिहासिक यात्रा ने शनिवार को 1000 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा ने अपनी 1000 किलोमीटर की यात्रा बेल्लारी जिले के नजदीक पूरी की है। यहां पर लाखों समर्थकों के साथ एक विशाल सम्मेलन हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश फासीवादी ताकतों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि देश में 45 साल में अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री बताएं कि आखिर नौकरियां कहां हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। कहा देश किस दिशा में जा रहा किसी को पता नहीं, ना लोकपाल आया और ना ही काला धन। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस नेता ने साल 2014 के चुनावी मुद्दों को एक बार फिर से छेड़ा। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है ये किसी को पता नहीं, ना तो लोकपाल आ पाया और ना ही काला धन आ पाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहा कि देश के हालात खराब हो रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करना बहुत ही आसान होता है जो ये लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तनाव और सांप्रदायिकता का माहौल बना रही है। दरअसल कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि फासीवादी ताकतों से देश चुनौतियों का सामना कर रहा है। हम सांप्रदायिक ताकतों की निंदा करते हैं। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में सियासी संकट के बाद पहली बार राहुल गांधी से अशोक गहलोत ने मुलाकात की है। अगली बड़ी खबर, शशि थरूर के चक्रव्यूह में फंस गई कांग्रेस। बोले अध्यक्ष पद का कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की लड़ाई में दोनों उम्मीदवार वोटिंग करने वाले नेताओं को लुभाने की कोशिश जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में जो नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। अब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चुनाव में कोई भी आधिकारिक उम्मीदवार नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव किसी बड़े चुनाव से कम नहीं है और
ऐसी पार्टी को संभालने का दावा करने वाले उम्मीदवार भी अपने आप में किसी बड़े नेता से कम नहीं है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर माहौल बेहद गर्म है। हालांकि दोनों ही उम्मीदवारों की ओर से एक दूसरे पर कोई भी कटाक्ष नहीं किया गया है, लेकिन बातों बातों में पार्टी के दोनों ही उम्मीदवार चुनावों को लेकर अपने मन की बात जरूर कह देते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव किसी बड़े राष्ट्रीय चुनाव से कम नहीं है। ऐसे में पार्टी को संभालने का दम रखने का दावा करने वाले उम्मीदवार भी इस चुनाव को जीतने के लिए जबरदस्त रणनीति अपना रहे हैं। अगली बड़ी खबर लोकसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले केंद्र में भी लहराएगा महागठबंधन का झंडा। आपको बता दें कि आरजेडी नेता और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता ने बिहार में बीजेपी सरकार को खारिज कर दिया है, मैं भविष्य को लेकर भी बड़ी भविष्यवाणी कर सकता हूं। पिछली बार मैंने चाचा जी नीतीश कुमार के बारे में भविष्यवाणी की थी, आज वो हमारे साथ हैं। आज मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि केंद्र में महागठबंधन का झंडा फहराएगा। इससे पहले तेज प्रताप यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार बताया था। तेज प्रताप यादव ने इस साल अगस्त में कहा कि वो नीतीश कुमार मेरे चाचा हैं, ये महागठबंधन की सरकार है, हम लाल किले पर झंडा फहराने में उनका समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कई बार कह चुके हैं कि अगर विपक्ष विचार करता है तो नीतीश कुमार 2024 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। आरजेडी ने पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की थी। इस बैठक में 24 राज्यों के पदाधिकारी और लगभग 3000 आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया था। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 2024 की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एजेंडे को कमजोर करने का कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए, ये मेरी पसंद और आपकी पसंद का सवाल नहीं है, बल्कि और लोकतंत्र को बचाने के लिए पसंद का सवाल है। हम मिलकर उन ताकतों को हराएंगे जिन्होंने देश को तोड़ा है। और बड़ी खबर प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार की दावेदारी कितनी मजबूत, आखिर 2024 में कैसे बना सकते हैं सरकार। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीआईसी पारा अभी से ही हाई होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किसी मजबूत चेहरे की तलाश में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार से लेकर केसीआर तक दावेदारों में शामिल है। आरजेडी और जदयू के कई नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार बताते रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए, यहाँ उन्होंने कहा कि जब तक हम जीवित हैं तब तक भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, अब जहाँ हैं वहीं पर रहकर बिहार और देश की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम भाजपा के साथ थे लेकिन अब हम उनसे अलग हो गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी भाजपा के संस्थापक और प्रमुख नेता रहे हैं, उनके साथ भी हमने केंद्र सरकार में भी काम किया। 1998 में अटल जी ने अपनी सरकार में हमें मंत्री बनाया, 3 विभागों के दायित्वों को हमने संभाला, उस समय ढंग से काम होता था। अब के लोग किसी की बात को नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार अब अपने हर बयान में राज्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। यही कारण है कि उनके बार बार मना करने के बावजूद लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर बीजेपी के खिलाफ फिर से हुंकार भरेंगे अरविंद केजरीवाल, 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हो रहे रवाना। आपको बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर राज्य में नेताओं का दौरा काफी बढ़ गया है। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि वो एक बार फिर 2 दिनों के लिए गुजरात आ रहे हैं। केजरीवाल का ये दौरा 16 और 17 अक्टूबर को होगा। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ये जनसभाएं भावनगर, मेहसाणा और दिशा में होंगी। इससे पहले उन्होंने 8 और 9 अक्टूबर को गुजरात का दौरा किया था। इस दौरे पर उन्होंने दावा किया था कि गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता गुप्त रूप से उनकी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वे आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ही पार्टी की हार देखना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरना चाहती है, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर गुजरात में सत्ता की चाबी किसके हाथ में आती है। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और बड़ी खबर, हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने फाइनल कर दिए नाम। राजीव शुक्ला बोले कल तक फाइनल हो जाएगी लिस्ट। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस चुनावी हलचल के बीच शनिवार को कांग्रेस की केंद्र चुनाव समिति की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में 50 से 60 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि 55 से 60 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। कल तक लिस्ट आ जाएगी। मैंने कल ही बोल दिया था कि हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वंशवाद के आरोपों पर राजीव शुक्ला ने कहा, ये लोग वंशवाद के आरोप तो न जाने कितनी बार लगा चुके हैं। ऐसे बयानों से अब जनता थक चुकी है। हमारे यहाँ अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है जिसमें गांधी परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ है, तो ये सब बातें अब फिजूल हैं। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से बहुमत के लिए 35 सीटें जीतनी बेहद जरूरी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। आपका क्या मानना है, इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बजा बिगुल। बीजेपी तैयार, 16 अक्टूबर को होगा पंच परमेश्वर सम्मेलन। जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि देश की राजधानी एनसीआर में इसी साल के अंत तक दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी 16 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। बूथ कार्यकर्ताओं के अलावा दिल्ली बीजेपी के संगठन प्रकोष्ठ और मोर्चे के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में बीजेपी चुनाव प्रचार की तरह से शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने और परिसीमन के बाद जल्द चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं, इसीलिए चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी बूथ से लेकर संगठन को चुनाव से पहले तैयार कर लेना चाहती है, ताकि एमसीडी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसके लिए हर बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ कार्यकर्ता पूरे तरीके से तैयार किए गए हैं। और बड़ी खबर, शशि थरूर ने गिनाई कांग्रेस की खूबियां। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अध्यक्ष बनूं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर अपने प्रचार अभियान के तहत शनिवार को असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस का बखान करते हुए अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस की जीत होनी चाहिए क्योंकि ये समावेशी भारत की पार्टी है। हम एकमात्र ऐसी पार्टी हैं जो चाहती हैं कि धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या फिर राज्य की परवाह किए बिना हर कोई हमारे साथ रहे। शशि थरूर ने इसके साथ ही कहा कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप हमारे हैं और हम आपके लिए हैं। एक अन्य पार्टी के उलट जो कहती है कि ये एक हिंदू राष्ट्र है या ये एक वर्ग की पार्टी है, हम भारत के हित में सभी के लिए काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला पार्टी के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच है। पार्टी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है, जिसके नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। आपका क्या मानना है, इस बार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर शशि थरूर? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, त्योहारी मौसम में आम आदमी को एक और बड़ा झटका। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए दूध के दाम। ये आपको बता दें कि आम आदमी बढ़ती महंगाई को लेकर पहले से ही त्रस्त है, लेकिन इस त्योहारी सीजन में फिर से आम आदमी की जेब पर एक और बोझ पड़ने वाला है। खबर है कि मदर डेयरी ने इस बार फुल क्रीम और गाय के दूध की कीमतों में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें 16 अक्टूबर से लागू कर दी जाएंगी। मदर डेयरी के अधिकारियों ने बताया कि मदर डेयरी के 2 प्रोडक्ट गाय के दूध और फुल क्रीम दूध की दामों में 2-2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि एक साल में यह दूसरी बार है जब मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। इससे पहले अगस्त के महीने में कंपनी ने दामों में बढ़ोतरी की थी। आपको बता दें कि डेयरी सेक्टर की अहम कंपनी अमूल ने भी दूध के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। अमूल ने कहा कि अपने फुल क्रीम दूध और भैंस के दूध में 2-2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा करने का फैसला लिया गया है। गुजरात को छोड़कर अमूल के बढ़े हुए पूरे देश में लागू किए जाएंगे, जबकि मदर डेयरी के बढ़े हुए दाम केवल दिल्ली और एनसीआर में लागू होंगे। यानी मदर डेयरी और अमूल ने 2-2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध के दाम बढ़ा दिए हैं।
अगली बड़ी खबर, नवजात बच्चे को जन्म के साथ ही आधार नंबर मुहैया कराने की बड़ी तैयारी, जल्द सभी राज्यों में होगी सुविधा। ये आपको बता दें कि नवजात बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही उनके आधार नंबर का रजिस्ट्रेशन जल्द सभी राज्यों में शुरू होगा। ये प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। अब तक 16 राज्यों में ही नवजात बच्चों के आधार पंजीयन की सुविधा थी। ये प्रक्रिया बीते साल शुरू हुई थी। इसके बाद इसमें धीरे धीरे कई राज्य जुड़ते गए। बाकी शेष राज्यों में भी इस दिशा में काम चल रहा है। विशिष्ट आधार पहचान नंबर जारी करने वाली एजेंसी UIDAI को उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में सभी राज्यों में सुविधा उपलब्ध होगी। इससे उन लोगों को आसानी होगी जिनके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। 5 साल से कम आयु के बच्चों की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं ली जाती है। बच्चे की उम्र जब 15 साल होती है तब इस जानकारी को अपडेट किया जाता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही नवजात बच्चे का आधार जारी करने का उद्देश्य अब सुनिश्चित हो गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात और हिमाचल में आखिर किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हिमाचल और गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल भी सामने आने शुरू हो गए हैं। गुजरात में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही दिन में इसका ऐलान होने की संभावना है। चुनाव पूर्व सर्वे की माने तो गुजरात में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की वापसी हो सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत के ओपिनियन पोल के अनुसार गुजरात में जहां पर भाजपा फिर से जबरदस्त तरीके से कमल खिलाती दिख रही है, तो वहीं हिमाचल में भी दोबारा सत्ता में लौटकर वो कमाल कर सकती है। ओपिनियन पोल की माने तो गुजरात में भाजपा इस बार पहले से भी अधिक ताकतवर होती दिख रही है और उसे 125 से लेकर 131 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगने के साथ ही मैच 29 से 33 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस पहाड़ी राज्य में भी भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। भाजपा को यहां पर 42 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 25 से 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। आपका क्या मानना है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किस किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।